<coughs> हा जी आवाज आ रही है जय हिंद सभी को गुड आफ्टरनून फटाफट सभी लोग क्लास पे जुड़ जाइए फटाफट करके सभी लोग क्लास पे जुड़िए आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा अभी कोई भी कैंडिडेट अभी आया नहीं है फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है एक बार फिर से ठीक है ये पार्ट एटीन आपका साइंस का अगला साइंस प्लस जीके का अगला जो है क्लास है इस सीरीज का हम एक सीरीज का लेके चल रहे हैं और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन को एक भी ये क्वेश्चन छोड़िएगा मत ठीक है गमन, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत आज एक बार फिर से साइंस के कुछ टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड हैं तो चलिए देर ना करते हुए एक बार आप लोग क्लास को लाइक like और शेयर कर दीजिए और हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट करना ठीक है तब तक ये देख लीजिए अगर अभी तक आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के लिए तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तो परीक्षा ऐप पर आपके लिए मार्च स्पेशल करके बेस्ट ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पंद्रह डी और पंद्रह जो है जी के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए और जाकर के ये टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए बाई करते वक्त आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा उसमें स्टैंड ऑफ फिफ़्टी यूज कर लेना पचास परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे तो कॉस्ट थ्री फोटी नाइन है लेकिन आपको वन पे जो है ये रेफरल कोड यूज करने के बाद पचास डिस्काउंट मिलेगा वन में आप ये पूरा सेट ले सकते हो ठीक है तो फटाफट फ़ड़ जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाकर के फटाफट करिए ठीक है फटाफट कर लीजिए चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अभी भी कैंडिडेट आया नहीं है क्लास पे अभी भी कैंडिडेट पे जो है क्लास पे अवेलेबल नहीं है क्लास पे लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो आपको बताना है फटाफट बताइएगा इज द कमर्शियल यूनिट जैसे व्यवसायिक इकाई पूछ रहे जैसे घर में आपके आपने देखा होगा कि मीटर लगा हुआ है तो वो किस हिसाब से मीटर जो है कैलकुलेट करके पैसा किस हिसाब से लेता है जो है वो जो बिजली विभाग फटाफट बताइए कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम में बार बार आता है आपका किलोवाट हावर किलो वाट वाट या फिर जूल क्या है बताइए फटाफट कमेंट करिए भाई किलो वा टावर है ना ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा ठीक है क्या है किलो वाट हावर आपका ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का याद कर लीजिएगा किलो वाट हावर ठीक है किलो वाट घंटा अगला क्वेश्चन आ जाइए अगला क्वेश्चन फिर से एक बार बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कह रहा है हैचर एट विच वाटर बॉइल्स डिपेंडेंटली मेनली ऑन्स कह रहा कि जिस तापमान पर पानी उबलता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है वायु दाब पे स्पेसिफिक हीट पे डेंसिटी पे या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटीज रिलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फटाफट बताइएगा किस पे डिपेंड होता है वो टेम्परेचर जिस पे पानी जो है बॉयल करता है ये किस पे डप, डिपेंड होता है ये भाई ह्यूमिडिटी पे नहीं एयर प्रेशर पे डिपेंड होता है आपने देखा होगा कि जब हम लोग जो है थोड़ा हाइट पे जाते हैं ठीक है वहां पे जाने पे खाना गर्म करो पानी मतलब खाना बनाओ पानी गर्म करो कुछ भी करो तो होता क्या थोड़ा लेट से होता है क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है ठीक है तो जो पानी उबलने का जो तापमान है जो टेपरेचर है वो मिलनी किस पे डिपेंड करता है एयर प्रेशर अभी नॉर्मल एयर प्रेशर में कर, करोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल मिलेगा और एयर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा वो हो आपका वो भी जो है इफेक्ट पड़ेगा उसके टेम्परेचर पे ठीक है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है बार बार आप पढ़ते तो हो एक बात बताओ आप बार बार पढ़ते हो ना कि पहाड़ों पे जाकर के खाना बनाने में टाइम लगता है मेहनत लगती है ऐसा क्यों क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर कम होता है दाब कम होता है ठीक है इसीलिए चले अब कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है बड़ी शानदार क्वेश्चन है फटाफट करेगा फटाफट कीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है <laughs> इनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम परमाणु के नाभिक में कौन सी ऊर्जा संचित होती है न्यूक्लियर इनर्जी एटॉमिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी फटाफट बताइए जय हो गुरुदेव खुश रहो बाबू फटाफट बताओ <laughs> न्यूक्लियर इनर्जी होती है तो एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वही होती है परमाणु ऊर्जा ठीक है याद कर लेना क्या होती है वही आपका परमाणु ऊर्जा होती है न्यूक्लियर एनर्जी होती है चले अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ दिज लिक्विड हैज द हाइएस्ट विस्कोसिटी विस्कोसिटी के बारे में सबसे पहले जान लो श्यामता बोलते हैं पूछा इनमें हाइएस्ट विस्कोसिटी किसका है अब देखो किसी भी विस्कोसिटी क्या होता है किसी भी फ्लूड का जो है जो विस्कोसिटी है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है ठीक है याद कर लो किसी भी फ्लूड का विस्कोसिटी क्या होता है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है रेजिस्टेंस जैसे आप इलेक्ट्रिक बताओ इलेक्ट्रिसिटी के अगर भाषा में देखो तो रेजिस्टेंस क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है ठीक उसी प्रकार जो है ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आउटर फोर्स कोई बाहरी फोर्स अगर कोई फ्लूड है जो बह रहा है अगर उसको कोई बाहरी फोर्स हो जो उसको रोकता हो उसको मेजर करता है क्या चीज है वो ठीक है तो हमेशा याद रखना कि ये जो कंसेप्ट है विस्कोसिटी का अगर ये लिक्विड पे अगर अप्लाई होता है तो हमेशा उसकी उसकीनेस थीकने, देखी जाती है कि लिक्विड की थीनेस कितनी है अगर थीनेस ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा अगर थीनेस कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगा समझ गए अब समझ गए तो मिल्क सिरप पाइनएप्पल जूस और वाटर इनमें से थिकनेस किसकी ज्यादा होगी विस्कोसिटी मतलब किसकी ज्यादा होगी बताओ मतलब एक बात अच्छा देखो कभी आप मिल्क बहा के देखना ठीक है नॉर्मल जमीन पे ठीक है मिल्क बहाना फिर सिरप बहा के देखना कोई भी जो सिरप आता है बच्चों का सिरप या फिर आपने भी पी, पीने के लिए कई तरह के सिरप आते हैं या फिर पाइन जूस लाना बहा के देखना और फिर पानी इनमें सबसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटर फोर्स इस पर जो ज्यादा लगेगा मतलब रोकने का काम जिसको करेगा बहते हुए थोड़ी थीकनेस ज्यादा होगी सिरफ की ठीक है अब जब सिरफ की थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती होगी तो आबे सी बात है कि आउटर फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा है और विस्कोसिटी क्या है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है आउटर फोर्स ही मेजर करता है जो उसको रोकता है बहने से ठीक है फ्लो होने से रोकता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो विस्कोसिटी है वो सबसे अधिक किसमें होगी सिर्फ की होगी है कि नहीं बताओ पीडीएफ क्यों नहीं देता हूं डेली टेलीग्राम पे मिलता है पीडीएफ तो क्या होगा बताओ सही आंसर क्या होगा जी सिर्फ होगा ना यहां पे विस्कोसिटी सिर्फ की ज्यादा होगी ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन करना है कह रहा है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे ठीक है साउंड का स्पीड एयर में फटाफट भड़ बताओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू यहां पे देखो दिया गया कि पीडीएफ के लिए आपको क्या होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से पीडीएफ ले, ले लेना जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ और दूसरी चीज ये दोनों टाइम वहां पर क्विज होता है एक साढ़े बजे मैथ का क्विज होता है रोज सुबह में और रात में साढ़े बजे जो है एट थर्टी पी पे डेली अन्य सब्जेक्ट का क्विज होता है आपकी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करने के लिए तो अब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है परीक्षा का टेस्ट सीरीज ले लीजिए स्टैंड स्टैंडर्ड फिफ्टी कोड यूज करके वहाँ जो है टेस्ट सीरीज लगाइए फिर, फिर, फिर यहाँ पे क्विज़ दीजिए ठीक है जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए क्योंकि कट ऑफ के देखो क्या है ना कि अभी भी लोग मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से 75 परसेंट लोग सिर्फ 25 परसेंट लोग अभी एक्टिव है 75 25 परसेंट भी एक्टिव नहीं है यार ठीक पचहत्तर परसेंट से ऊपर लोग सो रहे हैं अभी और उनको एग्जाम टाइम में पता चलेगा कि क्या होता है ठीक ना हा देखो नॉर्मल ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो थ्री फोर्टी थ्री होता है ठीक है बीस डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल जो आपका ये स्पीड होता है साउंड का वो तीन सौ तिरालीस होता है लेकिन अगर जीरो डिग्री सेल्सियस पे अगर पूछते हो तुम ठीक है अगर जीरो डिग्री सेल्सियस पे अगर स्पीड ऑफ साउंड पूछता है एयर में

फटाफट भड़ सॉल्व करिए कह रहा है व्हाट इज हीट जनरेटेड यहाँ पे हीट पूछ रहा है कि क्या हीट जनरेट होगा एक हीटिंग एलिमेंट के अंदर रेजिस्टेंस 900 ओम दिया है करंट फ्लो जो है वो आपका 0.3 पॉइंट का है और कितने सेकेंड के लिए दस सेकेंड के लिए तो बताओ फटाफट बताओ जरा कितना हीट जनरेट हुआ इस हीटिंग एलिमेंट में कितना हीट जनरेट हुआ फटाफट सॉल्व करिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगर मैं आपको ध्यान से अगर देखो ठीक है देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूं हिट का हिट कैलकुलेट का करने का फार्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इन टाइम ठीक है जो टोटल आपका करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो फिर रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस करो और इंटू टाइम करो तो बराबर क्या होगा आई यानी जो है जीरो पॉइंट थ्री एम्पियर इसका क्या है करंट है जीरो पॉइंट थ्री का स्क्वायर करो इंटू रेजिस्टेंस कितना है नौ सौ है इंटू टाइम कितना है दस सेकेंड है बराबर अगर करोगे तो जीरो पॉइंट नाइन हो जाएगा थ्री का स्क्वायर इंटू नौ सौ ठीक है जीरो पॉइंट जीरो नाइन होगा ये ध्यान देना ठीक है कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन ठीक है इंटू नौ सौ इंटू दस तो बराबर ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा बताओ कितना होगा बताइए बताइए जल्दी बताइए आठ सौ दस जूल होगा ठीक है कितना होगा आठ सौ दस जूल होगा ठीक है याद रखिएगा क्या होगा आठ सौ दस जूल होगा फिर यहां पे जूल में कैलकुलेट करना था ठीक है तो यही आपका फार्मूला है ठीक ना अब समझ में आ गया चले तो यहां पे सही आंसर क्या होगा एट हंड्रेड टेन अगले क्वेश्चन पे चले अब कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज कह रहा है कि टाइम पीरियड आपको बताना जो सेकेंड पेंडुलम होता है सेकेंड लोलक जो होता है ठीक है ठीक है जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड आपको बताना है कितना होता है बताइए फटाफट बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा क्लास पे आज लाइक्स बिल्कुल भी नहीं है पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग आज क्लास पे लाइक्स बिल्कुल भी नहीं है नहीं देखो ध्यान दो जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो दो सेकेंड का होता है कैसे एक बार वो क्या होता है जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है ठीक है जो आपका पेंडुलम होता है जिस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है एक सेकेंड उधर लेता है और एक सेकेंड वापस अपनी स्थिति में आने के लिए समझ में आ गया कितना होता है दो सेकेंड होता है एक सेकेंड जाने के लिए और एक सेकेंड उस डायरेक्शन से वापस अपनी स्थिति में आने के लिए तो कितना होता है दो सेकेंड होता है याद कर लीजिएगा ठीक है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड लोलक का जो आवर्तक होता है दो सेकेंड का होता है ठीक है बाबू नरेश कुमार पढ़ ले बाबू बाबू पढ़ लो ठीक है एंड ऑफ मार्च और या फिर जो है एग्जाम कब होगा जब या जब तैयारी रहेगी तो एग्जाम कभी भी हो दे लोगे नहीं तैयारी रहेगी तो कभी नहीं दे पाओगे ठीक है तो क्या होगा इसका याद रखिएगा दो सेकेंड होता है कभी भी पूछता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम तो दो सेकेंड ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए विच मेजरमेंट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है कि इनमें से किसका मेजरमेंट ठीक है कौन सा मेजरमेंट जो है कौन सा माप गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर होता है बताइएगा फटाफट मास वेट हाइट अरे बाबू 20 तारीख के बाद होगा फालतू मैसेज मत करो 20 तारीख के बाद एग्जाम पड़ेगा ठीक है कम से कम क्वेश्चन करो एक भी लड़का से अभी जवाब नहीं दे रहा है सब फालतू के जो है कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आके और एग्जाम टाइम में आएगा फिर जो है मुंह इधर उधर सबका देखोगी कौन क्या कर रहा है नहीं पता रहेगा तो बताओ मेजरमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का वेट पे डिपेंड होता है वेट पे फार्मूला आपको मैंने एक एक क्वेश्चन एक बार करवाया था ठीक है वर्क वाला उसमें देखना मैंने वेट कैलकुलेट uh, किया था वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है तो वेट सीधे किस पे लगता है बताओ बताओ इनमें से कौन सा मेजरमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होता है सीधे ग्रेविटी पे डिपेंड होता है वेट आपका मास इंटू ग्रेविटी इसका फॉर्मूला होता है एम जी वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ठीक है तो याद रखिएगा ठीक ना जबकि मास का ग्रेविटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है ठीक ना तो क्या होगा आपका वेट होगा इनमें से कौन सा मेजरमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड होता है वेट ऑप्शन नंबर बी ठीक है याद रखिएगा गलत नहीं होना चाहिए अगला हो जाओ यहां पे कह रहा है ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है कह रहा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देखो अगर कोई चीज चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में तो उस चीज का एक्सिलेशन क्या होगा कॉन्स्टेंट है याद रखिएगा स्थिर है है त्वरण पूछ रहा है क्या होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा या फिर आ, बढ़ेगा या फिर जीरो या फिर इनफाइनाइट फटाफट <coughs> बताइए बताइए देखो होता क्या है ना कि अगर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी कुछ चेंज होती कुछ वैल्यू होती वेलोसिटी की मतलब कि ये इतना हो रहा है फिर इतना चल रहा है फिर इतना चल रहा है ठीक है अलग अलग अगर वेलोसिटी अलग अलग होती तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज होते ठीक है कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है चेंज होते अब चूंकि यहाँ पे तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते तो एक्सीशन में भी बदलाव आता ठीक है अब जब यहाँ पे वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा चेंज नहीं आएगा तो एक्सीन क्या होगा जीरो होगा ठीक है क्या होगा जीरो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा समझ गए ना तो अगर वैलो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलेशन जीरो होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी चलो अब कह रहा है कि समुद्र की गहराई कैसे हम मेजर करते हैं फटाफट फ़ड़ बताना किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं एनिमोमीटर एरोमीटर सेमोमीटर फेदोमीटर फटाफट फड़ बताइए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार आया हुआ ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फटाफट फड़ बताइए वाह भाई आज क्लास पे देख रहे हैं ना व्यूज है, है ठीक है ना आप लोग हो ना आपके लाइक्स है क्लास पे अच्छा कर रहे हो करते रहिए ऐसे ही पढ़ाई करिए बीस लोग पच्चीस लोग आइए क्लास करने ठीक है ऐसे ही करिए पढ़ाई क्या होगा फेदोमीटर डेप्थ ऑपोशन मेजर करने के लिए फैदोमीटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा एग्जाम में बार बार आता है अगला क्वेश्चन करिएगा पेनिट्रेशन पावर इनमें से किस रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक होता है चालीस सेंटीमीटर जो है अगर जो आ, क्या होता है कि आयरन का सीट है उसको भी वो पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा बताओ कौन सा अल्फा बीटा गामा या फिर ये सभी या फिर इन सभी का पेनिट्रेशन पावर सेम होता है फटाफट बताओ सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसका होता है <coughs> गामा रेज का याद करिएगा गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे हाईएस्ट होता है ठीक है किसका गामा रेज का ऑप्शन नंबर सी होगा गामा रेडिएशन का ठीक है एग्जाम में ये भी बार बार आता है बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसीलिए मैं इंक्लूड किया हूं कि कुछ भी छूटे ना चाहे हल्के चाहे मतलब आसान प्रश्न क्वेश्चन हो या फिर जो है कठिन क्वेश्चन हो कुछ कुछ भी छोड़ना नहीं है कि एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि सर ये आसान जान के हमने तो पढ़ाया है नहीं और यही आ गया ठीक है इसलिए चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सॉल्व करिएगा बड़ी शानदार क्वेश्चन है कह रहा है कि एक चार के जी का ऑब्जेक्ट है चार के जी उसका जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट है एक चार के जी का जो मूव कर रहा है हॉरिजेंटली ठीक है छातिक रूप से किस स्पीड से पांच मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अब इसका अगर इसका स्पीड इंक्रीज करना है ठीक है दस मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से तो नेट कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा काम रिक्वायर्ड होगा फटाफट फड़ बताएगा फटाफट फड़ सॉल्व करिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपका अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्वेश्चन है पूरा न्यूमेरिकल है ये वर्क इनर्जी थ्यूरम पे बेस्ड है ठीक है वर्क इनर्जी थ्यूरम पे बेस्ड है अब ये अब इसका वो थ्यूरी क्या लगता है यहाँ पे टोटल वर्क कैलकुलेट करने के कह रहा है कि कितना टोटल वर्क होगा अब इंक्रीज करने के लिए दस मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से स्पीड इंक्रीज करने के लिए तो इसका होता है टोटल वर्क बराबर जो है टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है चूंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है यहां पे तो टोटल ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क वर्क इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी अब इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से सुनो टोटल वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है जो पहले जो इनिशियल आपका ठीक है फाइनल और इनिशियल दोनों देखा जाता है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है फाइनल और इनिशियल देखा जाता है तो इसका होता है ध्यान से देखना मैं आपको बता रहा हूं फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ठीक है ये आपका फार्मूला होता है टोटल वर्क कैलकुलेट करने का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें इनिशियल वैल्यू सॉरी जो फाइनल आपका वो स्पीड होगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से आपको क्या करना है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर दीजिए तो इसके हिसाब से अगर आप रखते हो चलो सॉल्व करो वर्क इज इक्वल टू तो फाइनल के लिए हाफ एम बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है आपको पता होगा ठीक है माइनस अब ध्यान से सुनना यहां पे इनिशियल है तो कहीं ना कहीं हम बी की जगह यू रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज मत हो फार्मूला सेम होता है काइनेटिक एनर्जी का ठीक है लेकिन यहाँ पे इनिशियल हमें देखना है तो हाफ स्क्वायर स्क्वायर कर कर सकते हो, कर सकते हो हो तो वर्क बराबर फटाफट करना देखो अब हाफ एम बी स्क्वायर अभी एक चीज ध्यान से देखना एक मिनट रुक जाओ अब चूंकि ये अगर ध्यान से देखोगे तो मास दोनों में सेम है मास कितना है ऑब्जेक्ट का एक ही ऑब्जेक्ट है मास सेम है चार के जी है तो मास को बाहर रखो और यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दो समझ में आ गया वर्क इज इक्वल टू वैल्यू रखो हाफ इंटू फोर वी स्क्वायर कितना वी कितना है बताओ टेन हमको करना है इंक्रीज स्पीड जो है जो आपका फाइनल जो स्पीड होगा वो कितना होगा टेन होगा तो टेन का स्क्वायर करो माइनस आपका इनिशियल कितना था फाइव था फाइव का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करिए वर्क बराबर कितना होगा टू टू या फोर ठीक है टू इंटू यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो टेन टेन या हंड्रेड स्क्वायर करोगे तो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है फाइव का स्क्वायर तो कितना होगा यहाँ पे सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फाइव का टू में जब ब्रैकेट तोड़ोगे बराबर टू इंटू सेवेंटी फाइव करोगे तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा टोटल आपका वर्क कितना होगा बताइए टोटल वर्क कितना होगा सेवनटी फाइव टू या यहां पे देख लो वर्क बराबर टू इंटू सेवेंटी फाइव जब करोगे तो बराबर आपका हो जाएगा वन फिफ्टी ठीक है कितना होगा वन फिफ्टी झूल होगा समझ में आ गया कितना आसान था ठीक है वन फिफ्टी झूल होगा आपका ये तो यही आपका टोटल कितना एनर्जी अमाउंट कितना नेट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होगा जो है स्पीड e इंक्रीज करने के लिए दस मीटर प्रति सेकंड से टोटल वन फिफ्टी झूल का वर्क जो है रिक्वायर्ड होगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए देखो यहां पर किसमें दिख रहा है 150 जूल ऑप्शन नंबर ए में तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलो अगला क्वेश्चन करो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कार्ड अब कर रहा है कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है ठीक है प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं लूसी मीटर, मीटर साइनोमीटर बैरोमीटर फटाफट बताइएगा फटाफट बताइए फट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्लास में लाइक्स बिल्कुल भी नहीं है आज क्या दिखा रहे हो आप लोग क्या दिखाना चाहते हो बताओ फटाफट बताइए अरे भाई लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लूसी मीटर का इस्तेमाल होता है ठीक है याद रखिएगा किसका होता है किसी का भी सही जवाब नहीं आया एक एक सुशांत 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 नहीं हाँ, तो नाम का एक लड़का है उन्होंने सही बताया था लूसी मीटर होगा ठीक है प्रिंस पांडे गधे क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आया है ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपको कनेटिक एनर्जी वाला किसको किसको नहीं समझ में आया भाई इतना आसान क्वेश्चन था किसको नहीं समझ में आया जरा हमको बता दो तो है ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है अब इतना आसान अगर ना समझो तो फिर एकदम गधे हो पूरा बताओ समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ ये वाला चलो ठीक है अगला है अगला क्वेश्चन आ जाओ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन बी इंक्रीज अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है विद्युत चुंबक जो होता है अगर उसकी शक्ति को स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा उसकी जो लेंथ है क्वाइल का क्वाइल वायर जो है उसका लेंथ बढ़ा दो या फिर उसका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई और अधिक कर दो या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स तभी बढ़ेगा जब क्वाइल का वायर की लेंथ बढ़ेगा ठीक है तो फटाफट बताओ कौन सा सही होगा इनमें से फटाफट बताओ क्या सही होगा हाँ, यहाँ पे ये सब यहां है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का ठीक है अगर जो विद्युत चुंबक होता है अगर उसका शक्ति बढ़ाना है स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो पहला तो आपको वायर का लेंथ बढ़ाना होगा जो क्वायल वाला वायर है अब जब लेंथ अगर नहीं बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कहा से उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कहां से अधिक बढ़ाओगे ठीक है तो ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए प्लस सप्लाई भी इंक्रीज करना पड़ता है करंट का ठीक है उसको और स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा चलो अगला आ जाओ अगला ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कह रहा है कि देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो प्लेन मिरर होता है प्लेन मिरर में अगर हम लोग अपना इमेज देखते हैं तो सेम एज दिखाता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है बिल्कुल सेम दिखाता है जैसे रहोगे वैसा सामने दिखाएगा लेकिन कह रहा है कि मान लो अगर तुम किसी मिरर के सामने खड़े हो ठीक है और तुम पाते हो कि जो तुम्हारा इमेज बन रहा है वो तुमसे छोटा है ठीक है उसमें इमेज जो बन रहा है वो छोटा है वो मिरर किस टाइप का है कनके मिरर है कन्वेक्स मिरर है प्लानो कनकेव मिरर है या फिर प्लेन मिरर है फटाफट -फड़ बताओ मैंने प्लेन मिरर के लिए पहले ही बता दिया कि बिल्कुल सेम एज इमेज बनता है फटाफट -फड़ बताइए छोटा इमेज कौन सा बनाएगा यहां पे कौन सा जो है मिरर छोटा इमेज बनाएगा आपका कौन सा है? वो मिरर होगा कन्वेक्स होगा बिल्कुल सही जवाब है कन्वेक्स मिरर होगा ठीक है कौन सा मिरर होगा कन्वेक्स मिरर होगा अगर आपको लगता है कि आपकी जो है हाइट उसमें मतलब आप छोटे दिख रहे हो ठीक है आपका रिफ्लेक्शन छोटा दिख रहा है तो वो कन्वेक्स मिरर है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ ये आपका आ गया है ये जीके का पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है इस ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इससे संबंधित बार बार क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कह रहा कि जो ओल्ड एनुअल स्वायल है जो पुरानी कछारी मिट्टी है गंगा के जो है मैदानी इलाकों की उसको क्या बोलते हैं देखो दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ठीक है जो कछारी मिट्टी है गंगा के साइड में जो है गंगा के मैदान मैदान की तरफ जो है दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है एक पुरानी कछारी मिट्टी होती है एक न्यून न्यूनतम कछारी मिट्टी होती है जो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो नई वाली होती है तो वो जो नदी के किनारे की होती है गंगा की नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है वो न्यूनतम होती है न्यूनतम कच्छहारी मिट्टी होती है तो हर साल जब बाढ़ आता है तो उस उस मिट्टी का नवीनीकरण होता है ऊपर वाली मिट्टी बह जाती है फिर से एक नया परत चढ़ जाता है ठीक है तो उस मिट्टी का हर साल क्या होता है नवीनीकरण होता है लेकिन ये जो पूछ रहा है ये ओल्ड एलिवल सॉइल ये क्या होता है ये थोड़ी दूर होती है नदी के किनारे से थोड़ी ये मिट्टी दूर होती है तो हर बार जो है क्या होता है बाढ़ का पानी जो है वहां तक पहुंच नहीं पाता है तो इस मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है जिसके कारण इसको बोलते हैं पुरानी कछारी मिट्टी तो कौन सी है भाई क्या नाम है उसका वो पुरानी कच्छारी मिट्टी को क्या बोलते हैं बांगर है वो क्या है बांगर है और वही जो न्यून वाली है जो न्यूनतम जो है जो जिसका हर साल जो है नवीनीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं ये भी बता दो जिसका हर साल नवीनीकरण होता है उसको बोलते हैं खादर ठीक है बांगर आपका ओल्ड एलिवल स्वाइल है और जो खादर है जिसका प्रत्येक वर्ष जो है नवीनीकरण होता है वो होता है खादर ठीक है याद कर लेना आपसे नंबर बी हो जाएगा फिर दोनों याद रखना बांगर और खादर दोनों नाम इंपॉर्टेंट है दोनों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आ जाओ अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ रिड सॉइल इज फाउंड इन इंडिया कह रहा है भारत में लाल मिट्टी का स्वार्थिक विस्तार किन राज्यों में पाया जाता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राजस्थान और गुजरात फटाफट बताना गलत मत करना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट -फड� बताओ रेड मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है रेड मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है लाल मिट्टी का ये पढ़ा चुका हूं अगर गलत कर दिए तो फिर आपकी गलती होगी ना काफी बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है और एग्जाम में भी आता है क्लास एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग बताइए क्या होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होगा दोस्त सभी लोग गलत कर रहे हो सिर्फ एक लड़का सुशांत सही बताया है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होगा ठीक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो है लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है इन दोनों राज्यों में ठीक है चले अगला क्वेश्चन देखें आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक मिनट रुक जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान भी है वही बार बार एग्जाम में यह भी आता है आपको पता होना चाहिए ठीक है लगभग सभी को पता होगा तो फटाफट बता दीजिए कौन होंगे ज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया नार्मन एर्निस्ट बोलरांग डॉक्टर स्वामीनाथन जे एस थॉमसन या फिर नना कौन है बीस तारीख के बाद होगा प्रज्वल अब मत पूछना, मत पूछना अब मत पूछना नहीं तो मार खाओगे बता दिए ना बीस तारीख के बाद होगा अब मत पूछना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ठीक है भारत में ग्रीन रेवल्यूशन के पिता माने जाते हैं ठीक है ठीके? याद कर लेना भारत के अंदर ग्रीन रेवल्यूशन के पिता एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं चलो अगला क्वेश्चन सभी ने सही जवाब दिया था काफी लोगों ने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर स्वाबीन कल्टिवेशन इन इंडिया इन भारत में किस प्रदेश में स्वाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मतलब बताओ किस राज्य में स्वाबीन की खेती सबसे अधिक होती है मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश पंजाब फटाफट बताना गलत मत करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट करिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर स्वाबीन कल्टीवेशन इन इंडिया भारत में किस प्रदेश में स्वाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका <coughs> है भाई मध्य प्रदेश याद कर लीजिएगा किसका मध्य प्रदेश का ठीक है ऑप्शन नंबर ए सी वालों मार खा जाओगे ठीक है खा जाओगे मध्य प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कहा सोबिन की खेती होती है जी की खेती ना के बराबर होती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कहां मध्य प्रदेश में चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि कंचनजंगा जो आपका सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमालय का हिमालय का।, का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा ये भारत के किस राज्य में स्थित है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है असम उत्तराखंड सिक्किम और हिमाचल प्रदेश बताओ फटाफट बताओ पे है फटाफट बताओ कंचनजंगा जो आपके हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये कहां पे है सिक्किम में है ठीक है जितने भी लोगों ने सिक्किम बताया बिल्कुल सही है चले वट इज दाइट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालय यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछता है ये भी ठीक है हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है बयासी मीटर ये 49 है अड़तालीस नहीं है ध्यान से देखना ठीक है पचासी सौ मीटर या नौ हजार मीटर फटाफट बताओ कितना है दरअसल uh, तो चली, चली जाती है ठीक है पॉइंट फाइव जीरो से ऊपर अगर कोई चीज होता है ठीक है, ये 8, है तो पॉइंट फाइव जीरो से ऊपर कोई चीज होता है तो अगले नंबर में चला जाता है तो टोटल कितना है आठ हजार आठ सौ उनचास मीटर है अगर फुट में देखोगे तो फुट में नियर अबाउट आपका पड़ेगा उनतीस हजार इकतीस फुट ठीक है उनतीस हजार इकतीस फीट है आपका ये इसकी अगर फिट में ऊंचाई देखते हो तो दोनों में याद रखना ठीक है दोनों में याद रखना अगर इसमें पूछता है मीटर में पूछता है तो आठ हजार आठ सौ उनचास मीटर और अगर फिट में पूछता है तो दो हजार नौ सौ इकतीस फीट ठीक है दोनों वैल्यू याद रखना किसी में भी पूछ सकता है ठीक ना चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि जो रिवर तसांगपू है जो नदी सांगपो है आपको पता होगा कि यह कौन सी नदी है किस नदी को सांगपो कहते हैं भाई तिब्बत में अभी उसी दिन मैंने आपको बताया था ये किस नदी को सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को ठीक है तो अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं तो पूछ रहा है कि ये नदी भारत में किस राज्य से होकर के जो है वो होती है प्रवेश करती है बताओ दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जा रहा है एक तो तिब्बत में जो है इस नदी को सांगपो कहते हैं ये क्वेश्चन पूछता है किस नदी को सांगपो कहते हैं वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है दूसरा कि ये भारत में किस राज्य से होकर के इंटर करती है प्रवेश करती है आसाम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर कहां से होकर इंटर करती है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गलत मत करना कहां से अरुणाचल प्रदेश से ठीक है याद रखिएगा देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत अभी एक दो दिन से कुछ खास नहीं है ठीक है थोड़ी तबीयत खराब चल रही है सर में दर्द रहता है लेकिन फिर भी मैं आपकी डेली क्लासेस ले रहा हूँ दोनों टाइम क्विज करवा रहा हूँ और आपके अंदर क्या है कि अपने एग्जाम को लेकर के फुर्ती नहीं है ठीक है मतलब कुछ आपके अंदर लग ही नहीं रहा कि एग्ज़ाम दस दिन में होने वाला है क्या होने वाला है कुछ भी ऐसा नहीं है आपके अंदर लग ही नहीं रहा कि एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है आपके अंदर उत्सुकता तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के लेकिन तबियत खराब है उसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ कि आपकी क्लास ना छूटे रेगुलर कुछ ना कुछ आपको बताया जाए ताकि एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए तो क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा ठीक है याद रखिएगा किस राज्य से होकर के इंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश अगला क्वेश्चन आ जाओ अगला क्वेश्चन कह रहा है दी लेंथ ऑफ इंडस रिवर सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की है फटाफट बताइएगा सत्ताईस सौ किलोमीटर उनतीस सौ किलोमीटर तीन हजार किलोमीटर या फिर तैतीस सौ किलोमीटर फटाफट बताइए अरे तो यूपी में चुनाव है तो तुम चुनाव करवा रहे हो कहा घूम घूम तुमको पढ़ने से मतलब है कि चुनाव से मतलब है हैं वाह क्लास में चार पांच लड़के रोज जरूर मिल जाते हैं जो ये जरूर पूछेंगे सर एग्जाम कही होगा लेकिन ये नहीं पूछेंगे सर जो है तैयारी किस हिसाब से कराएंगे तैयारी किस हिसाब से करें ये नहीं पूछते हो सर कौन सा सीरीज लें कौन सा किताब लें ये पूछने वाले नहीं हो कि कैसे तैयारी करें लेकिन एग्जाम डेट की बहुत जो है चिंता होती है ठीक है तो क्या होगा देखो दोनों नदी की लंबाई बराबर है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बराबर है कितनी भाई साहब उनतीस किलोमीटर याद कर लेना है, ठीक है उनतीस किलोमीटर अच्छा अगर ये पूछ देता है कि भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी कितनी लंबी बहती है कौन बताएगा फटाफट बताओ मैं देखना चाहता हूँ जस्ट वॉन्ट टू से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है चलो बताओ फटाफट बताओ आई जस्ट वॉन्ट टू सी किनको किनको पता है भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है किसी का सही आंसर आया नहीं है वाह तालियां बजाऊंगा बढ़िया से बस अंतर यह होगा कि तालियों के जो है बीच में तुम्हारे तुम लोगों का वो होगा चिक होगा ठीक है गाल होगा दोनों दोनों हाथ के बीच में बताओ देखो याद कर लेना 916 किलोमीटर कितना होता है 916 किलोमीटर जो है भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और दूसरा चीज यह है कि अगर पूछता कि भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है बताओ भारत के अंदर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बोलोगे सबसे लंबी दूरी तक कौन सी नदी बहती है गंगा हा ठीक है गंगा नदी भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सिर्फ नौ किलोमीटर बहती है ठीक है याद कर लेना चले कह रहा विच रिवर फॉर्म्स कपिल धारा फॉल्स कपिल धारा जल का नाम आपने सुना होगा बहुत ही फेमस है कह रहा है कौन सी नदी कपिल धारा का निर्माण करती है नर्मदा ताप्ती गोदावरी या फिर सरावती फटाफट -फड़ बताना टेक्स्ट बुक का सीरीज में नहीं बता पाऊंगा कैसा है मैं परीक्षा ऐप का प्रमोशन करता हूँ मैंने परीक्षा ऐप का टेस्ट किया है तो परीक्षा ऐप का पूछिए तो बता पता हूं। बता दूंगा कैसा है ठीक है क्योंकि मैंने परीक्षा ऐप का टेस्ट टेस्ट करके देखा है परीक्षा ऐप का बढ़िया है परीक्षा ऐप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का नहीं बता पाऊंगा तो कौन सी नदी जो है कपिल धारा जल का निर्माण करती है बताइए फटाफट गलत कर रहे हो किसी का भी सही आंसर नहीं आया नर्मदा नदी है कौन सी नदी है नर्मदा है कर लेना ठीक है कौन सी नदी है नर्मदा है ठीक है नर्मदा नदी जो है कपिल कपिल कपिलधारा जलप्रपात का कर निर्माण करती है चलो अगला कह रहा है कि एक बगलिहार परियोजना है बगलिहार जो है आपने देखा होगा ठीक है बगलिहार परियोजना है जो इंडो पाक बगलिहार परियोजना बोलते हैं ठीक है इसका जो वो है उद्घाटन जो किया था वो आ, वो उन्होंने किया था मनमोहन सिंह ने किया था बगलिहार परियोजना का तो पूछ रहा है कि ये किस नदी पे है ये भी बता देना साथ में किस राज्य में है ठीक है आंसर जब कमेंट कर ही रहे हो तो ये भी साथ में बता देना कि किस राज्य में है बगलिहार परियोजना इंपॉर्टेंट है बार बार पूछता है, ये भी। इंडो जो है इंडिया ये पाकिस्तान की ये नदी पाकिस्तान की तरफ होकर के बहती है अब जब इतना मैंने बता दिया है ठीक है भारत से पाकिस्तान में जाकर के बहती है जब इतना बता दिया तो पता होना चाहिए ठीक ना इसीलिए इसको इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट बोलते हैं फटाफट बताओ अरे गधा पंजाब एक लड़का पंजाब बोला एक लड़का अगर जो है कुएं में कूदा तो सब पीछे पीछे कूदेंगे चिनाब नदी पे है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है ठीक है जम्मू कश्मीर में ये आपका बगलिहार प्रोजेक्ट है वहीं से होकर के ये नदी जो है पाकिस्तान में इंटर करती है बाबू चिनाब नदी है ठीक है कौन सी नदी है चेन्नाब नदी है जितने भी लोगों ने डी बताया आप देख रहे हो तबीयत सही है नहीं डी होगा आपका ठीक ना जम्मू कश्मीर चले अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ठीक है न्यूक्लियर पावर स्टेशन सॉरी पावर स्टेशन जो है आपका इंडिया का पहला वो कौन सा ऊर्जा केंद्र जो है परवाणु ऊर्जा केंद्र फटाफट बताइए फटाफट बताइए नरोरा उत्तर प्रदेश तारापुर महाराष्ट्र कलपक्कम तमिलनाडु और कल आ, क्या है जी काकरापार गुजरात इंडिया का ये पहला न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट है फटाफट बताए कौन सा है ये एग्जाम में बार बार पूछता है कौन सा है तारापुर का ठीक है याद कर लीजिएगा तारापुर न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन ठीक है याद कर लेना ऊर्जा संयंत्र केंद्र चले अगला क्वेश्चन क्या कर विच सिटी इज सिचुएटेड एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग क्लास पे लाइक कर दीजिए आज तो पचास लाइक भी नहीं नहीं हुए रोज लाइक लाइक होते थे आज प्लस भी नहीं है क्लास पे देख लो कितने एक्टिव हो आप लोग ठीक है आपको खुद पता चल रहा है विच सिटी इज सिचुएटेड आदमी बैंक का परिवार कावेरी की नदी के जो है तट पे कौन सा शहर बचा है बसा हुआ है तिरु तिरुचिरापल्ली तीर, तीर, मैसूर बेंगलोर हैदराबाद कौन सा है तिरुचिरापल्ली है ठीक है कौन सा है तिरुचिरापल्ली ये एक जिला है तमिलनाडु का जिला है ये जो है कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है ठीक है याद कर लीजिएगा कावेरी नदी के तट पे ये बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली जिला है आपका जो है तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर ए सही होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए ये यहां पे मैं बहुत सारी चीज बताने वाला हूं जनजाति संबंधित ठीक है कह रहा है कि पहले ये बता दो कि भील जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है किस राज्य में फटाफट बताइएगा फटाफट बताइए वेयर इज भील ट्राइव फाउंड भील जनजाति कहां पाई जाती है आसाम झारखंड वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र हाँ अब ध्यान से सुनिएगा ये जो भील जनजाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो बार बार पूछता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछता है मैं 2011 की जनगणना बता रहा हूँ अभी फिलहाल अगर चेंज हो गया हो तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं दो में होना था लेकिन हुआ नहीं ठीक है आपको पता है कि हर दस साल में दस ग्यारह साल में जनगणना होता है तो दो हजार में कोरोना की वजह से जनगणना हुआ नहीं जल्द होगा ठीक है तो 2011 हजार की जनगणना के अनुसार जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा पुराना वाला ही एक्सेप्ट किया जाता है जो भील है आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है और पहले नंबर पे आती है भील दूसरे नंबर पे कौन सा आता है कौन बताएगा दूसरे नंबर पे कौन सा आता है गोंड ठीक है दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है फटाफट -भड़ बताइए तीसरे नंबर पे कौन सा आता है संथाल ठीक है ये तीनों याद कर लीजिएगा ये 2011 की जनगणना है पहले नंबर पे भील जनजाति दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति और तीसरे नंबर पे संथाल ठीक है ये जरूर याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ एक एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में यह मदद करेगा ये चीज ठीक है ये चीज हर एक एग्जाम में आपको मदद करेगा भील जनजाति कहा पाई जाती है ठीक है तो पहला तो भील जनजाति महाराष्ट्र की है और यह भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति है ठीक है दो की जनगणना के अनुसार चलो अगला क्वेश्चन अरे बाबू फिटनेसपुर पूछ लो लिखो ना एक क्वेश्चन है पूछ लो आएगा तो बता दूंगा नहीं आएगा तो नहीं बता पाऊंगा चलो अगला कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा लंबाई की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है लंबाई की दृष्टि से पूछ रहा है गलत मत करना फटाफट बताओ अरे यार इसमें मैंने कुछ चेंज किया था फटाफट बताओ बदलाव हुआ है यहां पे ऑप्शन मैं दे नहीं पाया हूं ध्यान से देखना एन एच फाइव फोर्टी एट लिखो यार एन एच फाइव फोर्टी एट इसको लिखो तो इसको काट दो एन एच वन ए का एन एच वन ए को काट दो ठीक है इस वाले ऑप्शन को काटो और मैं सही कर दूंगा अभी जब आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सही कर दूंगा बैक आ जाओ जरा NH 548 ये महाराष्ट्र का वो है ठीक है ये बना हुआ भी हाल ही में देखो इससे पहले कौन सा था NH ए था इसकी जो लंबाई थी वो 5.9 किलोमीटर थी ठीक है तो ये इससे पहले जो है ये भारत का सबसे लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राजमार्ग था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग लेकिन फिलहाल में एन एच फाइव फोर्टी एट हो गया है ठीक है एनएच फाइव फोर्टी एट याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है हमेशा अपडेटेड रहिए ठीक है एग्जाम में अगर पूछता है तो हमेशा अपडेटेड रहिए ये महाराष्ट्र में है आपका एन एच फाइव फोर्टी एट और इसकी लंबाई मात्र पांच किलोमीटर है याद कर लेना इसका फाइव पॉइंट नाइन है एनएच फोर्टी सेवन ए का और इसका एनएच फाइव फोर्टी एट का फाइव फाइव uh, आपका किलोमीटर है ठीक है याद कर लो पांच किलोमीटर तो या, याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया मैं लिख नहीं पाया हूँ ठीक है ये एन, ये बदल, बदलाव हुआ है इसमें एनएच फाइव फोर्टी एट है आपका ठीक है मैं पीडीएफ में लिख लूंगा लिख दूंगा पीडीएफ जब लोग आपको टेलीग्राम पे मिलेगा उसमें एनएच फाइव फोर्टी एट होगा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करो <coughs> नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है फटाफट बताइएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए बताइए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा जरा आप सभी लोग सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात उड़ीसा पे है सिर्फ़ एक लड़का सही बताया सी डी क्लासेस सिर्फ हाँ गुजरात में कहां पे है नाल सरोवर जो आपका बर्ड सेंचुरी है है ये एग्जाम में आता रहता है कहां पे है गुजरात में ठीक है <coughs> अगला क्वेश्चन आ जाओ जो कि हमारा इस आ, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ये बार बार पूछता भी रिसेंटली ये चेंज हुआ है आपका ठीक है नियर अबाउट चार साल के चार पाँच साल के लगभग हुआ आपका ये ठीक है कह रहा है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग या फिर गोरसप्पा फल जोग फाल आपको पता होगा जोग जोगफाल के बारे में बहुत सारे वो हैं बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा जोग जोगफाल का लेकिन फिलहाल आपको बताना है कि इसका नाम चेंज किया गया है जोग जोगफाल या फिर गोरसप्पा फाल फल का ठीक है जलप्रपात का इसका नया नाम क्या रखा गया है जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में बाकी आंसर आपको जो है पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएगा ठीक है सरदार पटेल फाल महात्मा गांधी फाल जवाहरलाल नेहरू फाल या फिर इंडिया गांधी फालस ठीक है अब एक काम कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे जुड़ जाओ पीडीएफ ले लेना क्लास का दूसरी चीज़ यह डेली जो है क्विज होते हैं रोज़ सुबह साढ़े ग्यारह बजे इलेवन थर्टी एम पे जो है मैथ का क्विज होता है टेलीग्राम पर ही जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और रात को साढ़े बजे जो है अन्य सब्जेक्ट का क्विज होता है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ठीक है तो डेली क्विज दीजिए परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज लीजिए स्टैंडर्ड फिफ्टी कूपन कोड यूज कर लीजिएगा पचास परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा वो लेकर के सॉल्व कीजिए अपनी तैयारी को हर तरीके से जो है क्या करिए बूस्ट करिए ठीक है फिलहाल के लिए अगर पसंद आया हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट है आप सभी से काफी इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो लोग फॉर्म भरे भरेंगे सर जी के साइंस में सर पक्का कॉन्फिडेंस है कि पंद्रह से बारह तेरह सही कर देंगे बाबू अब इतना लंबा तुम्हारा कमेंट पढ़ने का मुझे टाइम नहीं है ठीक है मैसेज कर देना आप जो है टेलीग्राम पे मैं देख लूंगा फिलहाल के लिए सभी लोग एक बार फिर से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग ठीक है और पीडीएफ ले लीजिएगा जा करके और शाम को क्विज में मिलते हैं साढ़े बजे चलिए धन्यवाद सभी को और हाँ मैथ का मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा जो आज सुबह दस बजे आया है डेली आता है आपका मैथ का मैराथन क्लास मत छोड़िए जो डेली आपका सुबह में दस बजे आता है ठीक है आज भी आया हुआ है जा करके देख लीजिए सीधे आपके एग्जाम में वो जो है मदद करने वाला है सीधे वहां से एग्जाम में जो है क्वेश्चन उठने वाले हैं उस जितने भी फार्मूले और जो है आपको ट्रिक्स बताए जा रहे हैं उस ठीक है चले अगले क्वेश्चन पे चलिए धन्यवाद सभी को